दोस्तों सामने देख रहे हैं आप, ये मेरे पास जो है मेटोरोला का मोबाइल है और इसके अंदर में जो है गूगल अकाउंट जो है मांगा जा रहा है, इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। आप यहाँ पर जैसे कोई स्किप का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर में, तो अब इस मोबाइल को अनलॉक करने के लिए आपको पहले आपको मोबाइल को ऑफ करना होगा। और मान के चलिए अगर आपके पास EDL केबल है तो आप EDL केबल का स्विच दबा करके डायरेक्ट जो है केबल लगा सकते हैं मोबाइल को ऑफ करके, या अगर आपके पास EDL केबल नहीं है, नॉर्मल USB डाटा केबल है, तो आप वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों दबा करके जो है कंटिन्यू सेम टाइम आप जो है केबल लगाएंगे, ऑटोमेटिक EDL मोड में ये मोबाइल चला जाएगा। ठीक है, तो EDL मोड में आपका मोबाइल जा रहा है या नहीं जा रहा है उसे देखने के लिए आपको डिवाइस मैनेजर को ओपन करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट पे क्लिक करके आपको देखना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं QD लोडर 9008 पोर्ट शो कर रहा है, तो इसका मतलब EDL मोड आ चुका है। उसके बाद ये मोबाइल जो है इसमें क्वालकॉम IC लगा हुआ है, तो क्वालकॉम मोड मैंने जो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करना है, तो जैसे ये ब्रांड है, ये कंपनी है, कौन सा कंपनी है, तो ये लेनोवो है। ठीक है, तो लेनोवो को हमें यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना होगा। लेनोवो जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद फिर हमें यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए पहले सबसे पहले हम यहाँ पे लेनोवो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लेनोवो मेथड है, लेनोवो को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे आती है बारी मॉडल की, तो चलिए जो इसका परफेक्ट मॉडल है वो मॉडल हम सिलेक्ट करेंगे, तभी ये काम करेगा। तो जैसे मुझे इसका मॉडल नंबर पता है कि 33A42, ठीक है, तो इस मॉडल नंबर को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कुछ करना नहीं है हमें यहाँ पे, सिंपली सिर्फ हम उसके बाद हमें यहाँ पे FRP पे चेक लगाना है। तो चलिए हम यहाँ पे FRP पे चेक लगा देते हैं। उसके बाद नीचे में स्टार्ट बटन है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है मोबाइल क्लिक करते ही बूट कर जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल जो बूट कर चुका है। उसके बाद कुछ ही देर में इसका FRP यहाँ से जो है रिमूव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जब तक आपका कंप्लीट यहाँ पे जो है प्रोसेस कंप्लीट ना हो, जब तक आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली जो है यहाँ क्वालकॉम पोर्ट जो यहाँ पे देख रहे हैं आप QD लोडर 9008, ये ऑटोमेटिकली जब यहाँ से हट ना जाए, आपका मोबाइल रिबूट ना हो जाए, जब तक तब तक आप मोबाइल अपने ना निकालें। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद ही आप मोबाइल को जो है रिमूव करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब ये मोबाइल जो कंप्लीट FRP जो है रिमूव हो चुका है। चलिए अब इस मोबाइल को हम आपको सेटअप करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये वही मोबाइल है जिसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि स्किप का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा था इसमें, अब हमें यहाँ पे स्किप का ऑप्शन मिल रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो है नो थैंक्स कर देना है, आपको मोबाइल को सेटअप कर लेना है और आपका मोबाइल जो कंप्लीट जो है ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।